ये फ्रेंड आज हम बात करेंगे सरफेस प्लेट के बारे में। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि गैस वेल्डिंग क्या होता है, आज हम बात करेंगे सरफेस प्लेट क्या होता है। तो ये जो देख रहे हैं आप इमेज, ये सरफेस प्लेट का है, सरफेस प्लेट का है, ठीक है। उसके बाद इसको हम हैंडल बोलते हैं और ये जो है ये बेस है इसका, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, ये सरफेस प्लेट जो होता है ये वर्कशॉप में मेजरिंग के लिए किया जाता है। फ्लैटनेस और ट्रूनेस के रूप में सरफेस प्लेट का यूज किया जाता है। आप जो ये देख रहे हैं सरफेस प्लेट, इसका यूज फ्लैटनेस या ट्रूनेस के रूप में किया जाता है। इसको एज ए रेफरेंस के रूप में विभिन्न तरह के वर्कशॉप में बहुत सारे एंगल्स को मेजर किया जाता है, तो विभिन्न सारे इंस्ट्रूमेंट या साइन बार का एंगल मेजर किया जाता है। उसके रूप में रेफरेंस के रूप में या डेटम सरफेस के रूप में इस सरफेस प्लेट का यूज किया जाता है। सरफेस प्लेट को बनाया जाता है कास्ट आयरन, ग्रेनाइट, ग्लास या सिरामिक। ज्यादातर हम देखते हैं सरफेस प्लेट को कास्ट आयरन से ज्यादा ग्रेनाइट का बनाया जाता है, क्योंकि ग्रेनाइट में क्या होता है डेंस क्रिएट नहीं होता है, वो इतना मजबूत होता है उस पर कोई क्रोच नहीं आता है, ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं। तो कास्ट आयरन का भी बनाया जाता है, ग्रेनाइट का भी, ग्लास का भी और सिरामिक का भी। एज ए सरफेस प्लेट को हम डेटम सरफेस के रूप में और रेफरेंस प्लेन के रूप में यूज करते हैं। इसको वर्कशॉप में या लेबोरेटरी में मेजरिंग सरफेस के रूप में भी यूज करते हैं। फ्लैटनेस और ट्रूनेस पे चेक किया जाता है, विभिन्न तरह के इंस्ट्रूमेंट को रखकर इसके फ्लैटनेस को चेक किया जाता है, जैसे ट्राय स्क्वायर, विभिन्न तरह का और इंस्ट्रूमेंट है, उसका साइन बार का एंगल निकालने के लिए इस फ्लैटनेस सरफेस का एज ए रेफरेंस प्लेन के रूप में इसका यूज किया जाता है, या वी ब्लॉक का एंगल निकालने के लिए। तो ये एक सरफेस प्लेट से छोटा सा टॉपिक है जो हमारे वर्कशॉप में बहुत मदद करता है। तो आप इसको देख सकते हैं और आप चलिए हम दिखाते हैं आपको सरफेस प्लेट कैसा दिखता है। तो ये तो डियर फ्रेंड आज हम वर्कशॉप में देखेंगे सरफेस प्लेट कैसा होता है। ये जो प्लेट है ये सरफेस प्लेट है, तो ये सरफेस प्लेट आप देख रहे हैं, ये फेस इसका है सरफेस प्लेट का, और ये जो देख रहे हैं इसका, इसको ग्रिप के लिए इसका बेस बनाया गया है। ये जनरली आपको ये कास्ट आयरन का बनाया जाता है या ग्रेनाइट, सेरामिक, ग्लास, इन सब चीजों का ये बनाया जाता है। एज ए रेफरेंस प्लेन या डेटम सरफेस के रूप में इसका यूज किया जाता है, जैसे साइन बार का एंगल हमको मापना हो तो इस सरफेस प्लेट से माप सकते हैं। उसके अलावा मान लीजिए कि इस ये कोई वर्क पीस है और उसका फ्लैटनेस चेक करना है, तो हम इस तरह से इसका फ्लैटनेस चेक करते हैं इस प्लेट पे। तो जनरली इसको वर्कशॉप में एज ए रेफरेंस प्लेन या डेटम सरफेस के रूप में सरफेस प्लेट का यूज किया जाता है। हम जनरली बराबर देखते हैं कि विभिन्न तरह के मतलब टूल्स होते हैं या वर्कपीस होते हैं, उसका फ्लैटनेस चेक करने के लिए इसको रेफरेंस प्लेन के रूप में यूज किया जाता है। बहुत सारे प्लेन्स हैं लेकिन उसमें क्या होता है कि वो फ्लैट नहीं होता है, ट्रूनेस नहीं होता है, लेकिन इसमें ज्यादा से ज्यादा ट्रूनेस होता है। तो आप इसको देख सकते हैं, ये स्क्वायर टाइप से या रेक्टेंगुलर भी सरफेस प्लेट हो सकता है, आप याद रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने आपको बताया है कि सरफेस प्लेट कैसे दिखता है और क्या होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।